आज तक पावरलूम सेंटर को पावरलूम धारकों को बिजली पे सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया। और ये पावरलूम सेंटरों का विषय, मालेगांव शहर का पावरलूम का विषय छोड़ के ये ग्रामीण के लोगों का क्वेश्चन लगाते हैं, शेतकरियों का। आशी भाई के लेटर के ऊपर, महापुर के लेटर पे अजीत दादा ने 10 करोड़ रुपया मंजूर किया, पैसा रिलीज किया। 5.5 करोड़ रुपया नगर उत्थान में से डीपीडीसी से हमको महापुर के लेटर पे मिला। ये गवर्नमेंट फंड है। दिलीप म्युनिसिपैलिटी से मिलेंगे तो क्या? उर्दू मराठी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे अर्जेंट बुलाने के ऊपर आप लोग सभी यहाँ पे तशरीफ लाए। पत्रकार परिषद लेने का मकसद पिछले दिनों आपके मराठी पेपरों के अंदर आया था, मालेगांव शहर के आमदार साहब का जो 4 कोटी बजट, बल्कि महाराष्ट्र के सभी आमदारों का, वो चाहे बीजेपी के हो, सेना के हो, एमआईएम के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, सबके लिए गवर्नमेंट ने पिछले टाइम से निधि बढ़ा दी। और इस साल से 4 कोटी का बजट उन्होंने आमदार निधि कर दिया था, जिसमें से मालेगांव के आमदार साहब मुफ्ती इस्माइल साहब ने सिर्फ 92 लाख रुपया मालेगांव शहर के अंदर निधि खर्च किए। 3.8 कोटी रुपया उनका लेप्स हो गया, जिसके वजह से मालेगांव शहर की जनता का, मालेगांव शहर की आवाम का नुकसान हुआ। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि ये गवर्नमेंट से अलग से कोई निधि, विशेष निधि तो नहीं ला पाते, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट ने आमदारों को अगर 4 करोड़ रुपया हर साल का मालेगांव शहर या कोई भी उनके मतदार संघ के लिए विकास के लिए 4 करोड़ रुपये निधि देती है, और आमदार साहब सिर्फ 92 लाख रुपया खर्चा करते हैं और 3.8 कोटी रुपया लेस हो जाता, बड़ी शर्म की बात है हमारे शहर के लिए कि ऐसा नाकारा आमदार। इसीलिए मैं हमेशा बोला करता हूं कि आमदार को कुछ भी नहीं समझता, अगर थोड़ा भी समझा होता तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से बात करते हैं और उनसे सिर्फ इतना बोलते कि साहब मुझे 4 कोटी के अंदर 4 बड़े रास्ते डेवलप करना है। और आप लोग जानते हैं, उर्दू पेपर वाले हो या मराठी पेपर वाले हो, जो मालेगांव का जो मतदार संघ है मुफ्ती इस्माइल साहब का, कई ऐसे बीच के रास्ते बहुत खराब है। मुझे दुख होता है कि जो गवर्नमेंट का पैसा दिया जाता आवाम के हक के लिए, आवाम की डेवलप के लिए, शहर के रास्ते रोड रास्तों के डेवलप के लिए, और वो पैसा लेप्स हो गया, ये बड़ी शर्म की बात है यार। इसीलिए बोलता हूँ कि उनको कोई समझता नहीं, कुछ उनको आता नहीं, इसीलिए मालेगांव शहर की आवाम को, जनता को जागना चाहिए, होशियार रहने की जरूरत है। अब बताओ, आज हाउस के अंदर उनका असेंबली क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है? ये आमदार मालेगांव शहर के, आमदार मालेगांव शहर के क्वेश्चन ऐसा है, मालेगांव तालुका, मालेगांव नासिक जिले के शेतकरी बंधु का वीज पुरवठा नियमित करा जाए, बताओ? ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है, कोई भी आमदार कहीं का भी क्वेश्चन लगा सकता है, लेकिन एक तरफ मालेगांव शहर, भिवंडी, इचलकरंजी, धुलिया, कामटी, योला, जहां जहां पावरलूम सिटी है,
गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते में जब मैं अंदर था उस जमाने से लेकर आज तक पावरलूम सेंटर को, पावरलूम धारकों को बिजली पे सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया। और ये पावरलूम सेंटरों का विषय, मालेगांव शहर का पावरलूम का विषय छोड़ के ये ग्रामीण के लोगों का क्वेश्चन लगाते हैं, शेतकरियों का, ठीक है, वो भी हमारा एक अंग है। अगर शेतकरी का मसला हल नहीं होगा, लेकिन उसके लिए नासिक जिले के अंदर ऐसे कई आमदार हैं, लेकिन पावरलूम सेंटर के अंदर मालेगांव, भिवंडी, चलकरंजी, कामटी, ऐसे ही जगहों के ऊपर, शोलापुर में यहीं पे खाली पावरलूम सिटी है और वहीं के आमदारों का ये काम रहता है। ये महत्व का था कि आमदार रहे, वो भी शेतकरी का क्वेश्चन लगाने के बाद भी आज हाउस में से गायब है। काश ये होता कि वो क्वेश्चन के बजाय वो जो पिछले हफ्ते सब्सिडी खत्म की गई उसका क्वेश्चन लगाते, उसके लिए हाउस के अंदर बोलते, उसके लिए लड़ाई लड़ते, लेकिन ऐसा ना करते हुए जो चीज़ इनको समझना चाहिए था रास्ते बनाने का, जो शेतकरी की इनको अलग ABCD नहीं मालूम, उसके बारे में क्वेश्चन लगाते। कल 11वां नंबर का क्वेश्चन है उनका हाउस में, किस ताल्लुक से मालूम है? उड्डान पुल जो मालेगांव शहर का बन रहा है, धीमी गति से बन रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, या तो ठेकेदार बदलना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये शहर अच्छी तरह जानता है कि ये उड्डान पुल बनने के लिए कई साल हो जाता है, कम से कम 3 साल गुजर जाते हैं, उड्डान पुल बन जाता, चालू हो जाता, किसने काम रुका है इसका? इनके ही कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने बार बार आयुक्तों के पास में डेलीगेशन ले जाते थे, वहां काम को के अंदर रुकावट डाला। अब काम की शुरुआत अच्छे ढंग से हुई जब से मैंने आंदोलन किया था, अब धीरे धीरे वो काम पूरी तरह से, मैं समझता 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। अभी इस मरतबा जो सकावत होटल के पास से जो रेम नहीं था, जो वहीं से टन मारने के लिए जगह नहीं थी, इस बजट के अंदर 5 करोड़ रुपया उसका तरतूत किया जा रहा है बजट में मालेगांव कारपोरेशन की, ताकि 5 करोड़ रुपया, ताकि वो वहाँ से रेम भी बन जाए और आगे तक थोड़ा ब्रिज जो नज़दीक उतरने वाला था वो थोड़ा आगे जाके उतर जाएगा। तो हम ये सब तैयारी में हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक असेंबली क्वेश्चन किया, मुझे तो ऐसा लगता है BJP लोगों से मिले दिखता है, जैसे उधर पिछले दिनों हमारे सुनील गायकवाड़ साहब ने BIP का ताल्लुक से पत्रकार परिषद लिए थे, इन्होंने BIP कंपनियों के बारे में असेंबली क्वेश्चन लगा दिया मालेगांव के अंदर। तो बताओ, ये कोई काम नहीं हुआ आमदार का। ये काम होना चाहिए कि मालेगांव शहर के अंदर निधि चाहिए, मालेगांव के अंदर डेवलप के लिए पैसा गवर्नमेंट से लेना चाहिए, मालेगांव शहर बड़ा खस्ता हालत है, ये सब बात करते नहीं। मैं समझता हूँ कि फजूल की बातों के लिए उनके पास में टाइम है, जबकि मैं बोला 4 कोटी में से खाली 92 लाख खर्चा किया और 3 कोटी 8 लाख रुपए लेप्स हो गया। इनका काम है असेंबली के अंदर आवाज उठाना चाहिए कि मालेगांव शहर के अंदर पुलिस के कंट्रोल के अंदर मालेगांव नहीं रहा। यहाँ पे DYSP है, यहाँ पे 5-6 पुलिस स्टेशन है, अच्छे अच्छे PI है, एडिशनल SP है, जिला SP है, लेकिन पिछले दिनों जो फायरिंग हुई पिछले हफ्ते में, जो पुलिस डिपार्टमेंट की DB होती है, बल्कि मैं समझता हूँ जिला SP की DB थी, उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है, कई 20 लाख किसी के घर से, किसी के मकान से, किसी की दुकान से चोरी हो जाता रोज डेली। मालेगांव शहर के अंदर छोटी मोटी बड़ी वारदातें हर इलाके में हो रही है।
और पुलिस के हाथ से वो मालेगांव शहर का कंट्रोल छूट चुका है। इस ताल्लुक से हाउस के अंदर आवाज उठाना चाहिए आमदार ने। ये सब के लिए उनके पास ना असेंबली क्वेश्चन लगता, ना हाउस के अंदर वो ताल्लुक से वो बोल पा रहे हैं लैंड ऑर्डर के ताल्लुक से। जबकि लक्ष्य नहीं डालना चाहिए, आधे घंटे की चर्चा करना चाहिए, लक्ष्य के माध्यम से अध्यक्ष के रहते हुए डिपार्टमेंट के होम डिपार्टमेंट को इसको उसको बोलना चाहिए बात। ये बात वो रख नहीं पाते, ऐसे अनेक बातें हैं। अभी कल रात में एक वाक्य ऐसा हुआ, अजीज मास्टर मोमिनपुरे में रहते हैं, कुरेशी कारोबारी आदमी है पहले से, उनका ना फोर पीस का धंधा है ना कोई खड़े जानवर का धंधा है। अचानक 1:40 के ऊपर उनके घर के ऊपर पुलिस रेड करती है और उनके घर की जर्सी लेते, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर रात में किसी के भी घर के ऊपर जाकर के अगर रेड करना है, जर्सी लेना है, सर्च करना है, तो कोर्ट का सर्च वारंट चाहिए इनको, महिला पुलिस चाहिए। लेकिन महिला पुलिस भी नहीं थी, तो ये किसके कहने के ऊपर अचानक कहीं भी कुछ भी रेड हो रही है, ये मेरे बात समझ नहीं आ रही। गुनहगार था क्या अजीज मास्टर जो है, वो गुनहगार इंसान है क्या? तो ये क्या हो रहा है, या किसी के खबरी के बोलने के ऊपर हो रहा है? क्या कर रही है मालेगांव पुलिस की, मालेगांव डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट क्या तरीका अपना है? मैं निषेध करता हूं मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट का कि जिस तरीके से एक शरीफ आदमी घर पर जाके 1:40 के ऊपर जा करके वहां पे उनके घर पे महिला घर में सो रही, लेडीज घर में सो रही, उनके बीच में से जाके और उनके कबाड़ खुलवाए जा रहे हैं। कई बोलते हैं नीले कलर का कपड़ा कहाँ है, इनको सच वारंट लेके जाके ही रेड करना चाहिए। नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट की क्या गारंटी कि अंदर गर्दा रखते हुए, रेवलवर रखते हुए, गांजा रखते हुए, चरस रखते हुए? ये तरीका पुलिस डिपार्टमेंट का ठीक नहीं है। आम पब्लिक के साथ में गुनहगारों को छूट, आम पब्लिक को तकलीफ। तो ये रात की जो घटना हुई ये बिल्कुल बराबर बात नहीं है। मैं इसके ताल्लुक से खुद अजीज मास्टर के घर के एक व्यक्ति को लेके कल मुंबई जा रहा हूँ, परसों के दिन दिल्ली भर से पाटिल साहब से मैं मुलाकात करूँगा, उनको निवेदन देने वाला हूँ कि मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ से बाहर हो चुका है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस तरीके की हरकतें शरीफ लोगों के यहाँ की जा रही है, गुनहगार के ऊपर इनका अंकुश नहीं रहा है। ये लेकर के मैं खुद निवेदन देने वाला हूँ और फिर उसके बाद वक्त लेकर के पुलिस आयुक्त महाराष्ट्र उनसे भी मिलने वाला हूँ और ये सब जगह निवेदन ये पूरा एक मेरे लेटर के ऊपर अलग से देने वाला हूँ और प्लस ये जिसके घर के ऊपर रेड की गई उनके घर के व्यक्ति को ले आकर के वहां पे मैं कल परसों 2 दिन के अंदर मुलाकात करने वाला हूँ। मराठी पत्रकार सर, कौन सा सबूत और चाहिए आपको? नाकाम इसलिए कि 4 करोड़ आमदार फंड हर आमदार को मिलता है, कोई भी पार्टी का हो, फिर 92 लाख रुपए खर्चा हुआ, 3.8 लाख वापिस गया, तो ये नाकामी की निशानी नहीं है भाइयों? पत्रकार महोदय बोलो, मानता नहीं है नाकाम? तो ऐसा पीछे भी बात है कि कुछ लोग काम रुकवाते हैं और इशारा आप लोग की तरफ तो इस बारे में मैंने क्या बोलूंगा? तो मेरे काम में ब्रिज के काम कौन रुकवाया? ब्रिज आज तक क्यों रख रहा है शहर जानता है? अब कौन सा काम रुकवाते, कौन सी निधि लाए? अरे जो तुम्हारे हक की निधि है 4 करोड़ उसमें से सब 3 करोड़ वापिस जा रहा है, तुमने कौन सी निधि लाए? अरे अगर उड़ागर बन रहा है तो मालेगांव की जनता जो टैक्स अदा करती है कारपोरेशन को, उनकी दम के ऊपर आगे रोड बन रहा, उनकी दम के ऊपर
कुसुम्बा रोड बन रहा है, शहर के अंदर जो विकास हो रहा है, रोज मैं उद्घाटन कर रहा हूँ रास्तों के, कल 3 ब्रिज के किया, 1 ब्रिज बाकी है, ये सब जो है ये गवर्नमेंट फंड नहीं है, ये मालेगांव की आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो टैक्स अदा करती है कारपोरेशन को घरपट्टी की शक्ल में, ये उसके बलबूते के ऊपर शहर डेवलप हो रहा है, किसी ने गवर्नमेंट से हमको दिया नहीं। हाँ, आसिफ भाई के लेटर के ऊपर, महापुर के लेटर पे अजीत दादा ने 10 करोड़ रुपया मंजूर किया, पैसा रिलीज किया, 5.5 करोड़ रुपया नगर उत्थान में से DPDC से हमको महापुर के लेटर पे मिला, ये गवर्नमेंट फंड है। दिलीप म्युनिसिपैलिटी से मिलेंगे तो क्या